तो टाइम नहीं दे रहा, तू कहीं और जाएगी, इसका मतलब बोल ना। नहीं, तेरे हिसाब से टाइम क्या होता है? तेरे हिसाब से टाइम सोना होता है? एक के साथ नहीं मिला तो दूसरे के साथ जाके सो जाऊंगी, मिल गया टाइम, ये है तेरे लिए टाइम? उसी के भाई के, उसी के भाई के साथ, उसी के भाई के साथ तुम करो, हम बोले तो गलत बोल रहे हम हैं? बोलेगी मुझे, कुछ नहीं बोलेगी। गलत बोल रहे हो। जो तू कर रही है देवर के साथ वो सही है? नहीं बड़े भाई, हम गलत बोल रहे हैं, ये सही कर रही है। झूठ बोल, बकवास कर ले, बकवास कर ले इतनी, बुलाए तेरे हस्बैंड को यहीं पर, हरकत करे जा रही है, प्यार से बोल रहे हैं, क्यों कर रही है ऐसा, क्यों कर रही है, छोड़ दे। हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल आरवी रॉक स्टाइल पे। मैं हूँ राहुल वर्मा, जैसे कि गाइस आप मुझे जानते ही हैं। और गाइस ये है आरवी टीम सुपर डोसर रजत वर्मा। तो गाइस आज की जो दिक्कत है वो है अमित जी की। अमित जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अमित जी की जो दिक्कत आई है वो है इनकी भाभी को लेकर। अभी रिसेंटली इनके भाई की शादी हुई है और इनका भाई इनसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनके एज का ही है, थोड़ा सा एक दो महीना बड़ा है बस। तो इनके भाई क्या है, इनके भाई का सीन ये चल रहा है कि इनके भाई की जो वाइफ है वो इन्हीं पे डोरे डाल रही है। तो गाइस एक बार थोड़ा बताएं क्या सीन है, थोड़ा मुझे बताएं क्या है, आपने क्या बोला था, आपकी भाभी कैसे आपको परेशान कर रही हैं? जी कभी वॉशरूम में एक्चुअली क्या है कि मैं अभी नहाने जाता हूँ तो अभी आ जाती हैं नहाने के लिए, मैं नहाने होता हूँ तो वॉशरूम आ जाती हैं। उसके अलावा किचन में मैं पानी वगैरह आर ओ से पानी वगैरह निकालने के लिए जाता हूँ, वाटर बॉटल भरने जाता हूँ तो पीछे से आते हैं, छेड़ती हैं, हाथ वगैरह पकड़ लेती है, हाथ वगैरह पकड़ लेती हैं। चलो मैं समझ गया, चलो मैं बता देता हूँ। तो गाइस इनकी दिक्कत ये पूरा बता नहीं पा रहे, इनकी जो भाभी है ना इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। जब इनके भाई जो है वो 6 महीने से बाहर हैं, और जब इनके भाई 6 महीने से बाहर हैं तब से इनकी भाभी इन्हीं पे डोरे डाल रही हैं कि देवर जी तुम मेरे से प्यार कर लो, ये है वो है। अभी शादी को ज़्यादा नहीं हुआ भाई, गाइस सिर्फ अभी 8 महीने हुए, जिसमें 2 महीने में इनके हस्बैंड इनके भाई को बाहर जाना पड़ा। अब वो आते ही सारी बातचीत करी है इन्होंने, सारा कुछ किया, अपनी भाभी को समझाने की कोशिश भी करी है, पर इनकी भाभी नहीं समझ रही वो चीज़ों को लेकर। वो बोल रही है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुमने नहीं बोला भाभी भाई को बोल दूंगी कि तुम मेरे पे गलत गलत चीज़ें हरकतें करते हो मेरे साथ। और ये बहुत ही संगीन आरोप लगाया गया, बहुत संगीन आरोप है, ऐसा आरोप बहुत ही गंदा आरोप होता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो। तो गाइस सबसे बड़ी बात है यार, एक तो भाभी मासामान होती है, उसे ये रिश्ते का नाते का कुछ पता नहीं, रिश्ते नाते में क्या होता है। अब उससे आज वही दिखते अपनी हवस टाइप, बस हवस दिखती है। तो उसे आज अपने यहाँ पर बुलाया है, अब यहाँ पर आती है, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आपने जैसे आपने अपनी भाभी को बुलाया है, वो कितनी देर में, आधे घंटे बुलाने के लिए? हाँ जी आधे घंटे में आ रही है। तो गाइस देखो अब क्या है, आपको अपनी भाभी से बात करनी है सारी, और हमें निकालना है सबूत कि अपने भाई को आप दे सको, ठीक है? वो आती है उससे बात करो, और उसके बाद हम आपकी भाभी से निपटते हैं, ठीक है? तो हम कैमरे के पीछे हम उनका आने का वेट करते हैं, ठीक है गाइस? ठीक है, तो गाइस आप भी बने रहो, देखते हो उनकी भाभी का वेट बने रहो। हेलो, क्या हाल है आपके, क्या हो गया? नहीं खड़े हो गए ना एकदम से? जी वो आप इधर दूर रहा करिए। क्यों क्यों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली मेरा जो भाई है वो आप पे टेस्ट करता है, और आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक नहीं कर रही हूँ? नहीं आप जो बस ठीक नहीं है, मैं ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? आप परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आप हमारा कॉल करते हो, कभी बात करते हो, कभी तो प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि मेरा भाई आप पे बहुत ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है आपके ऊपर। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो क्या हो गया, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना, इसमें क्या? नहीं नहीं, तो तुम्हारा भाई मुझे टाइम भी नहीं देता वैसे भी। मेरा भाई आपको टाइम नहीं देता, बट आप उसको समझो ना, वो आप तो मुझे नहीं समझना ना कुछ भी। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं अगर नहीं क्या क्या समझने की, आप समझो ना। अरे यार आप नहीं ना, अरे रही बात आपके भाई की, वो जब भी मुझे टाइम नहीं देता। वो टाइम देंगे आपको, बट आप प्लीज आप ऐसे मत करिए ना, आप प्लीज क्या क्या नहीं मुझे नहीं यार, मुझे करना है मतलब मैं, बट मैं आपसे नहीं कर सकता, दैट्स इट, मैं आपसे नहीं कर सकता ना। मैं करूंगी ना, और मैं जबरदस्ती किसी उल्टा भी कर सकती हूं, मैं उल्टा भी कर सकती हूं, तुम्हारे भाई से बोल सकती हूं कि तुम मेरे। हां तो मैं अपने भाई को पहले बता दूंगा ना, मैं अपने भाई को पहले बता दूंगा, पहले बता दूंगी ना। ठीक है आप बता दीजिए, या मैं पहले बता देता हूं? मैं बता दूंगी ना आपको, जुड़ रहा हूँ आपसे प्लीज। तो यार मैं तो पसंद करती हूँ ना, नहीं मुझे करनी है, मुझे नहीं पता ये चीज, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे करना है। या आप समझने की कोशिश करिए ना, आप मेरे भाई आप ट्रस्ट कर रहा है, आप हाथ जोड़िए ना। पसंद करती हूँ ना मैं, ट्रस्ट कर रहा है, मुझे नहीं मतलब मेरा भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे नहीं पता भाभी आप के ऊपर मेरा भाई ट्रस्ट करता है, आप प्लीज छोड़ो भाभी, भाभी ये छोड़ो, मुझे नहीं पता, मैं मुझे तुम्हें पसंद है, मुझे नहीं पता इसके आगे कुछ भी। क्या ये क्या चल क्या रहा है?
आप कौन है? ये कौन है ये बता पहले। हम इसके अबे ये कौन है? हम इसके दोस्त है जो भी, तो बता कौन है ये? देवर है ना। क्या कर रही देवर के साथ? शादी को भी 8 महीने हुए ना भाई, 8 महीने में शादी को भाई से। तो आप कौन हो? भाई इसके दोस्त है, बोल तो रहे हैं दोस्त है इसके। तो मतलब क्या? मतलब क्या तू क्या कर रही है यहाँ पर? मेरी लाइफ है, मेरे तो तेरी लाइफ है, तो क्या तू देवर से सेटिंग करेगी? तेरी लाइफ है तो यार बना लेगी उसे देवर को। बोल क्या क्या बोलूं? क्या करना चाहती है? ये जो रंग रलिया तू नचा रही अपने देवर के साथ, उसके भाई को चीट क्यों कर रही है बताना? तो मेरी मर्जी ना, तुम्हें नहीं होता। कम कौन हो? तेरे को कम शुक्र माना, तेरे पे ना हाथ उठाता नहीं मैं, उठ जाएगा, ले करूंगा टच, ले टच करूंगा। बता क्या करेगी तू? तब शांति से बैठ, बैठ, बिठाना आता है मेरे को, बैठ, तेरे को कह रहा हूं ना बैठ भाई, बैठना आप बैठ। ये देवर है तुम्हारा, देवर का सीन करते हैं। बोल इसमें शादी को सिर्फ तो नहीं है ना, मेरी लाइफ है। शादी को चुप हो जा, कुछ कह रहा है ना, कुछ कह रहा है सुन, चुप। 8 महीने हुए शादी को और अपने हस्बैंड को छोड़ के इसके पे क्यों लगी पड़ी? मुझे बता दे बस तू। मुझे पसंद है इसलिए। तो बस इसे शादी कर लेते अपने भाई, उससे हस्बैंड से, इसके भाई से शादी क्यों करी तूने? फिर इसी से कर लेती शादी, इससे बढ़िया। इसे पैसा देके उसके पास गई थी क्या तू? अबे वो तेरे हाथ जोड़ रहा आगे, वो कह रहा है यार प्लीज मुझे रहने दो, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? अपनी हवस, वो बेटा पसंद नहीं है, वो हवस है तेरी, पसंद नहीं है वो। एक रात में वो निकल जाएगी सारा प्यार तेरा, एक रात के लिए तेरा प्यार खाली। बंदा वो मना कर रहा, भाभी मत करो तुम, चल मेरे साथ चल, खींच के ले जा रही तू उसे, वो हाथ जोड़ रहा है तेरे से। अकल वक्कल नहीं है क्या जरा से भी? ये कतई बेशरम है। प्लीज ऐसा मत बोलो। बोलना बोल तो ऐसा क्या ना बोलो, ऐसा क्या बोलूंगा? बोलूंगा तू इतनी गंदी हरकत कर सकती है पार्क में? बोल भी नहीं सकता तो शर्म है, शर्म थोड़ा सा भी। आपका कोई मतलब? मतलब है, मेरा दोस्त है, मेरा मेरा दोस्त है, मतलब है मुझे, बिल्कुल इंटरफेयर करूंगा मैं। बोल है मतलब क्यों नहीं है? मतलब है बोल। वो हेल्प के लिए हमें बुलाया उसने। मैंने ही बुलाया इनको हेल्प के लिए अपनी। मेरा भाई तुम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है और तुम उसका ट्रस्ट चीट कर रही है। और उसी का भाई कौन सा टाइम दे रहा है ना मुझे? तो टाइम नहीं दे रहा तू, कहीं और जाएगी इसका मतलब? बोलना। नहीं तेरे हिसाब से टाइम क्या होता है? तेरे हिसाब से टाइम सोना होता है? एक के साथ नहीं मिला तो दूसरे के साथ जाके सो जाऊंगी, मिल गया टाइम, ये है तेरे लिए टाइम? उसी के भाई के, उसी के भाई के साथ, उसी के भाई के साथ तुम करो, हम बोले तो गलत बोल रहे हम हैं? बोलेगी मुझे कुछ नहीं बोलेगी? बोल रहे हो आप गलत, बोल रहे हो गलत बोल। और जो तू कर रही है देवर के साथ वो सही है? नहीं तो बड़े भाई हम गलत बोल रहे हैं, ये सही कर रही है। झूठ बोल, बकवास कर ले, बकवास कर ले इतनी, बकवास कर ले इतनी, बुलाए तेरे हस्बैंड को यहीं पर, हरकत करे जा रही है। प्यार से बोल रहे, क्यों कर रही है ऐसा, क्यों कर रही है? छोड़ दे उसको, बता दे प्यार से, बता दे क्यों कर रही है। सही तेरे घर वालों खींच के लाए और तेरे हस्बैंड को बुलाए, इसमें कोई मतलब नहीं है और आपका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब तो हम निकालेंगे, तू जानती नहीं हम कौन है, तेरा मतलब तो खुद निकल जाएगा, सब पता लग जाएगा कौन है। पता कौन है हम लोग? जब पता चल जाएगा ना हम कौन है बेटा, ये जो पटपट तुम्हारा मुंह चला ना पोपट की तरह, ये नहीं चलेगा। बताऊं कौन हूं? बताऊं कौन हूं? राहुल वर्मा नाम है उसका, आरवी रॉकस्टाइल करके यूट्यूब चैनल एक्सपोज वीडियो करता है। और वो देख सामने कैमरा लगा, सामने कैमरा सारा कुछ तेरा रिकॉर्ड किया, समझ आई? 8 महीने की शादी, तेरे हस्बैंड को दिखाएंगे ये वीडियो जो तूने हरकत करी, हमारे पास हेल्प के लिए। और सुन एक बात, ये जो तेरी सुरीली सुरीली आवाज है ना जिससे तू छेड़ती है देवर को अपने, तेरी पूरी वॉइस इसमें रिकॉर्ड हुई है, इसे कहते हैं माइक, जो औकात से बाहर है। ठीक है पकड़ इसे माइक, बोल अब क्या बोलेगी, कुछ कन्फेस कर, क्या बोलना चाहती है माइक, एक बार दिखाना माइक, क्यों करती थी परेशान? कन्फेस तू अभी करेगी, अब तो सब कुछ करेगी, एक नहीं करेगी दो चारों में तो सब कुछ कन्फेस करूंगा, क्यों करती थी परेशान नहीं बता। इसका भाई टाइम नहीं देता इसलिए? वो बिल्कुल टाइम नहीं देता और मुझे टाइम का क्या मतलब होता है, क्या नहीं करता तेरे लिए टाइम पे ये बता। बोल, वो जॉब के लिए बाहर गया है और तू उसके लिए रंग रलिया मना रही है पीछे, उसके भाई पे ही तू डोरे डाल रही है। और पता क्या बोलती है भाई ने बताया, जैसे पता क्या बोली, कह रही है तेरे को फंसवा दूंगी, तू मुझे छेड़ता है भाई, ये कहती ना मुझे। अच्छा उल्टा फंसाएगी तू उसको, अब तो सब कुछ रिकॉर्ड है, अब कैसे फंसाएगी? तेरे तो भांडा फूट चुका है। अब एक पता है इसके भाई क्या करना चाहिए ऐसी लड़कियों के साथ, बताओ अब क्या करना, क्या करना? ये डरती है ना अपनी फैमिली वाले से भाई, इसको ऐसे यहीं से ना अपनी फैमिली के पास जान दो, जाएगी ना घर, घर पूछे, घर वाले पूछेंगे क्या बेटा भगा दिया, सीधा बोलेगी मैं उसके भाई पे लाइन मार रही थी इसलिए मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बोल होगा तुम्हारे साथ और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, किससे बात कर क्यों रहे हम, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसी ऐसी लड़की के पीछे? ये ना ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा, ये मुंह नीचे मत कर, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है मुंह उठा और चलती बन सीधा, चल उठ चल निकल, खड़ी हो निकल, अब तो अपने घर पे जाइए, इसके घर मत जल्दी जाए इतना, चल निकल चल, फैशन शो नहीं चल रहा, आराम आराम से जा रही है, बताओ इधर को बैठो भाई। सो गाइस यार सीरियसली यार मतलब मेंटेलिटी सोच कहां गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आता सीरियसली, मतलब भाभी देवर के साथ सीरियसली फक बहन, गाली देने का मन करता है पर नहीं यार सीरियसली। भाई एक बात बताऊं आपको भाई, आप लेट आवाज़ क्यों उठाते हो? आपको जब पता है शुरू से आपके साथ गलत करी, आपको जल्दी से जल्दी बोलना चाहिए यार भाई, बोलना चाहिए ना आपको, कहीं ना कहीं गलती होती है भाई, हो जाती है बट
मैं काफी बार मैंने बोला भाभी को कि भाभी ऐसा प्लीज मत करो, भाई आप पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा मत करो। भाई इंसानों को समझाया जा सकता है, जानवरों को नहीं समझाया जा सकता। आपने एक बार आके भाई को बोला, भाई तुरंत आए आपके लिए, तुरंत आए, टाइम हम निकाला आपके लिए स्पेशली, आपकी हेल्प की, आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी, वो अपने घर जाएगी, भांडा फूटेगा, फुटेज हमारे पास है, आपका भाई आएगा दिखाना बिल्कुल। तो गाइस देखा आपने, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या रिश्ते नाते की ऐसे की तैसी मार रखी है गाइस। तो गाइस बस वीडियो को ज़्यादा फैलाएं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। और गाइस अगर आपकी भी दिक्कत परेशानी, मेरे इंस्टा आई डी और रजत की इंस्टा आई डी नीचे है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं गाइस। और रजत का चैनल आरवी टीम्स 2.0, ये बहुत अच्छी हेल्पिंग वीडियो करते हैं, तो इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस, ठीक है। और मेरा चैनल आप आरवी डॉक्स चैनल प्लीज़ बहुत सारा प्यार दे गाइस, तो प्यार दे दोनों भाइयों को बिल्कुल। और गाइस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, लव यू ऑल, लव।